इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोक्स थ्योरम, और स्टोक्स थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो पहले समझते हैं स्टेटमेंट ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड एंड स्टोक्स थ्योरम बोथ, उसके बाद में इसको करेंगे प्रूफ। यहां पर देख सकते हैं डेल क्रॉस ए कहलाता है कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड, और ये किसी स्मॉल एरिया के लिए यहां पर लिखा हुआ है डेल्टा ए टेंड्स टू 0। That means small area के लिए होता है कि per unit area of line integral हमेशा क्या कहलाता है curl of vector field 1 upon dA A into dl, this is known as line integral of the surface। क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब होता है integration A dot dl, और हम इसको कहते हैं line integral of the A। अब बात करते हैं statement of the Stokes theorem, किसी क्रॉस सरफेस के लिए लाइन इंटीग्रल कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है, इसी को हम कहते हैं स्टोक्स थ्योरम। यानी कि स्टोक्स थ्योरम लाइन और सरफेस में रिलेशन बताती है, ये वाली क्वांटिटी कहलाती है इंटीग्रल ऑफ ए, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए, और ये कहलाता है कर्ल इंटीग्रल ऑफ द सरफेस। दैट मींस लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन बताती है स्टोक्स थ्योरम, और इसी को हमको प्रूफ करना है। इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमने एक स्मॉल एरिया जो कि dx dy डायमेंशन में माना हुआ है, और इसको हम सॉल्व करते हैं पहले xy प्लेन में, उसके बाद में yz प्लेन में, उसके बाद में zx प्लेन में। तो पहले हमने माना हुआ है xy प्लेन जहाँ पर एरिया है dx dy, और यहाँ पर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है a, i कैप ax, i कैप ay, j कैप az, k कैप, यानी कि x डायमेंशन में ax, y डायमेंशन में ay, z dimension में a z है। तो हम यहाँ पर on the basis of surface इसको solve करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर ये एक line है p q r s, ये एक line और close है, इसी के लिए हमको निकालना है line integral of the system, और ये बन जाएगा पूरा एक surface x y plane में। ये line जैसे complete होगी p q r s, तब ये बन जाएगा एक surface x y plane में, और इसी के लिए हमको ये वाला equation prove करना है। तो हमने ऐसा मान लिया इस पूरी लाइन के लिए लाइन इंटीग्रल a dot dl बराबर होगा pq ax dx, ये वाली लाइन qr, ये वाली लाइन ay dy, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है ay dy, प्लस अब ये वाली हो जाएगा ax dx, अब ये हो जाएगा sr ay dy। हमें यहाँ पर चारों लाइन के लिए लाइन इंटीग्रल निकालना है और प्रूफ करना है स्टोक्स थ्योरम को। तो हम यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि जब भी ax में चेंज होगा तो वह ay के रेस्पेक्ट में चेंज होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं करंट की अगर बात करते हैं, मान लो ये कंडक्टर है और इसके अंदर y डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो करंट के चारों ओर बनता है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी परपेंडिकुलर। दैट मीन्स अगर आप करंट की डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, वो भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ऐसा ही मानते हैं अगर ax में चेंज है तो y के रेस्पेक्ट में चेंज होने वाला होगा। तो हमें लाइन इंटीग्रल लिखना है a के रेस्पेक्ट में pq qr rs and sp। तो पहले बात करते हैं pq लाइन के लिए, pq लाइन यहाँ पर देखेंगे pq डायरेक्शन है ax में, तो दैट मींस ax में चेंज होगा ax प्लस ax, तो क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है लेकिन x डायरेक्शन में जाने पर y में चेंज होता है, तो कितना हो जाएगा ये del ax upon del y into यहाँ पर आ जाएगा देखेंगे dy by 2 minus k, क्योंकि यहाँ पर ये ओरिजिन है और ये वाली डायरेक्शन होगी माइनस की, तो ये डिस्टेंस ये हो जाएगी माइनस के dy by 2, ये वाली डिस्टेंस क्योंकि हम इस लाइन के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ax plus del ax upon del y minus k dy by 2, इतना चेंज ax में यहाँ पर आने वाला है। That means ये हो जाएगा ax minus k del ax upon del y into dy by 2, ये तो हो गया a में चेंज, जबकि हमको लाइन इंटीग्रल लिखना होता है तो ax into dx। अगर बात करते हैं डिस्टेंस कितनी है तो ये हो जाएगी dx, तो ये तो लाइन इंटीग्रल हो गया इस पॉइंट से यहाँ पर इसके लिए। अब बात करते हैं इसके अपोजिट sr, क्योंकि ये वाले चारों वैल्यूज निकाल करके pq qr rs rp
यहां पर पुट कर देंगे तभी इसमें रिलेशन आएगा, ये वाली वैल्यू। अब बात कर रहे हैं आर एस लाइन के लिए, आर एस लाइन, तो देखिए आर एस लाइन में ये वाली डायमेंशन माइनस की थी डिवाइड बाय 2, अब यहां पर होगी प्लस की क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर की ओर है, तभी हो जाएगा ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इनटू बी वाई बाय 2। यहां पर तो ये चेंज है इसका ए एक्स का, अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस कितनी जाएगी यहां पर, ये वाली तो ये है डी एक्स, यहां पर आ गया ये डी एक्स। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब हमको वैल्यूज निकालनी है ये वाली और ये वाली, इन दोनों वैल्यूज को निकालते हैं तो यहां पर देखेंगे ये वाली डायरेक्शन प्लस की होती है और ये वाली होती है माइनस की। तो अब बात करते हैं क्यू आर लाइन के लिए, क्यू आर लाइन, तो यहां पर जब क्यू आर की बात करते हैं तो ये ए वाई है तो चेंज में होगा ए एक्स में, तो कह सकते हैं इसको ए वाई प्लस ये हो जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स इनटू आ जाएगा डी एक्स बाई 2। ये वाली डिस्टेंस क्योंकि ओरिजिन से ही यहां पर इसकी बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा ए वाई और ए वाई में हमेशा एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। तो अभी तो हमने ओनली ए ने चेंज लिखा है, अगर बात कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा ये डी वाई, तो यहां पर हो जाएगा लाइन इंटीग्रल डी वाई। अब जैसे ही बात करते हैं इस लाइन के लिए तो यहां पर देखने आ जाएगा एस पी लाइन, एस पी लाइन में जैसे ही बात करेंगे चेंज के लिए तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी माइनस के, ये वाली डिस्टेंस माइनस के डी एक्स बाई 2, ये वाली माइनस की, ये वाली माइनस की, ये प्लस और ये प्लस। अब देखेंगे यहां पर आ जाएगा ये इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए वाई माइनस ये हो जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स और यहां पर आ जाएगा ये डी एक्स बाई 2, यहां पर माइनस रखा प्लस माइनस माइनस इस तरीके से। अब देखेंगे अभी तो हमने ये वाली क्वांटिटी लिखी है लेकिन यहां पर क्या है ये डी वाई इस लाइन के लिए, तो यहां पर आ जाएगा ये डी वाई। अब हमारे पास में इसको मान लिया हमने इक्वेशन 3 और इसको मान लिया इक्वेशन 4, अब हमारे पास में चारों लाइन इंटीग्रल पी क्यू क्यू आर आर एस आर एस हमारे पास में है, पुटिंग ऑल दीस वैल्यू इक्वेशन 1 विद साइन। अब यहां पर देखेंगे यहां पर ये फिजिकल क्वांटिटी ए है, इसकी खुद की भी डायरेक्शन होती है, ये तो डायरेक्शन थी ओरिजिन की, लेकिन यहां पर फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ऐसा मान रहे हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, दैट मींस अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्शन है, वैसे ही अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा चारों इक्वेशन को जोड़ने पर ऐड करने पर, क्योंकि जैसे ही चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमने निकाल दी, ये वाली वैल्यू ये रही, ये वाली वैल्यू ये रही, ये वाली वैल्यू ये है और ये वाली वैल्यू ये, चारों को ऐड करने पर। तो एक काम कर सकते हैं इक्वेशन 1 को 2 से ऐड कर रहे हैं पहले, तो देखेंगे यहां पर जैसे इसको ऐड करेंगे तो ये वाला माइनस का ए एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाली का माइनस की और ये वाली माइनस की बच जाएगी, तो ये हो जाएगा पहले 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर ये आ जाएगा डेल ए एक्स अपॉन यहां पर देखेंगे डेल वाई और साथ में आ जाएगा ये डी एक्स डी वाई, क्योंकि वो भी माइनस का, क्योंकि देखेंगे यहां पर ये माइनस का और यहां पर ये माइनस डायमेंशन का, तो ये वाला माइनस यहां पर आ जाएगा, यहां पर माइनस का है और यहां पर प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे। उस तरीके से देखेंगे हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करने पर, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करने पर यहां पर ए वाई कैंसिल आउट और ये हो जाएगा इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ये आ जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स इनटू डी एक्स डी वाई, क्योंकि हमको चारों को ही ऐड करना था। अभी आप यहां पर मान लेंगे इसको इक्वेशन 5, इसको मान लेंगे इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई और यहां पर देखेंगे डी एक्स डी वाई कॉमन है यहां पर भी और यहां पर, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा एरिया। इसके लिए एरिया कितना होता है, तो ये होता है d
bx by equals to ba area of this surface. यहाँ पर ये put कर देंगे तब याद आ जाएगा ये del ay upon del x minus del ax upon del y into ba. और अगर बात करते हैं ये किसके बराबर होने वाला है तो हमने इन चारों को ऐड किया है ये चारों तब ये हो जाएगा a dot dl. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a dot dl. अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ये कर्व का z का कंपोनेंट है. जैसा कि हम जानते हैं इस तरीके से बना सकते हैं ये हो जाएगा i j और ये होता है k. यहाँ पर लिख दिया डेल क्रॉस a इज इक्वल टू. अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z. यहाँ पर हो जाएगा ax ay az. हमने यहाँ पर जो प्लेन दिया था ये x y में दिया था दैट मींस इसका रिजल्ट आपको z में मिलना चाहिए. तो z मींस दैट मींस k में. तो जैसे ही लिखेंगे ये हो जाएगा डेल क्रॉस a. ओनली बात कर रहे हैं हम k कंपोनेंट की k कंपोनेंट. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये हो जाएगा ये गया ये हो जाएगा डेल a by upon डेल x डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई. जैसा कि आप जानते हैं यदि के कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये गया दैट मींस इसकी मल्टीप्लाई इससे डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स. अगर देखेंगे तो ये दोनों एक जैसे ही हैं तो हम इसको लिख सकते हैं याद रहेगा ए डॉट डी एल इंटीग्रेशन यहाँ पर ये. तो हम इसको लिख सकते हैं याद रहेगा ए डॉट डी एल इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा डेल क्रॉस ए वो भी जेड कंपोनेंट जेड. अब इसी तरीके से अगर हम यहां पर मान लें वंस अगेन वाई जेड प्लेन उसी तरीके से अगर मान लें हम जेड एक्स प्लेन तो तीनों क्या आ जाएंगे सेम आ जाएंगे. और यहां पर ये इसके साथ में क्या है ये डी ए और वैसे यहां पर तो इसी तरीके से जिस तरीके से पूरा हमने सॉल्व किया है एक्स वाई प्लेन में तब यहाँ पर जेड कंपोनेंट मिला है उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे वाई जेड प्लेन में तो हमको ये मिल जाएगा उसके बाद करेंगे एक्स वाई में तो ये मिल जाएगा. यानी कि तीनों कंपोनेंट जब हमने एक्स वाई में सॉल्व किया तब हमको जेड मिला जब जेड एक्स में सॉल्व करेंगे तो हमको वाई मिलेगा जब हम वाई एक्स में सॉल्व करेंगे तो हमको जेड मिलेगा. उस तरीके से तीनों कंपोनेंट निकालने पर ये आ जाएगा a dot dl equals to यहाँ पर आ जाएगा ये del cross a into da. तो अगर आप बहुत गौर से देखें तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है. क्या हम इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा del cross a equals to 1 upon da और ये हो जाएगा a dot dl. इसको लेकर चले गए इस तरीके से पहले स्टेटमेंट ये प्रूफ हो चुका है. अगर ये एरिया बहुत ही स्मॉल एरिया है बहुत ही स्मॉल सिस्टम है तो स्मॉल सिस्टम के लिए हम इसको लिख सकते हैं a dot dl इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये del cross a dot da. और यही कहलाती है स्टोक्स थ्योरम. ऑलवेज रिमेंबर स्टोक्स थ्योरम स्मॉल सरफेस एरिया के लिए ही वैलिड होती है. जैसे हमने इसको स्मॉल मान लिया इसके अंदर बनने वाले जितने भी कंपोनेंट है वो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये ओनली लाइन पर ही मिलते हैं. मान लो ये सरफेस एरिया बहुत सारे छोटे छोटे एरिया से मिलकर बना है तो छोटे छोटे एरिया वो एडिशन होता है इन सभी एरिया का. तो कहां पर मिलता है ओनली फील्ड मिलता है लाइन पर. दिस इज नोन एज स्टोक्स थ्योरम. इसका स्टेटमेंट होता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द ए होता है इक्वल कर्व के सरफेस इंटीग्रल के बराबर. इसी को हम कहते हैं स्टोक्स थ्योरम.